नीम एक मेडिसिनल प्लांट विद अमेजिंग एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल पावर्स, इसको 1995 में एक यूएस कंपनी ने पेटेंट करा लिया था। फिर ईयर 2000 में एक इंडियन एनजीओ ने इसका पेटेंट रिवोक करा। हल्दी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 1995 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी के कुछ रिसर्चर्स ने इसे पेटेंट कराने का ट्राई किया, पर सीएसआईआर ने 1997 में इसको रिवोक कराया। और इसके अलावा 1997 में बासमती राइस भी इसी पेटेंटिंग गेम में फंस गया। फिर 2001 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे पार्शियली रिवोक कराया। ये थे बायोपायरेसी के कुछ केसेस। बायोपायरेसी मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और ट्रेडिशनल नॉलेज को पेटेंट करा लेना बिना उसके ओरिजिन को एक्नोलेज किए हुए। और इसी तरह के बायोपायरेसी और मिसअप्रोप्रिएशन से बायोडायवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ही इंडिया हैज इनएक्टेड सेवरल लॉज एंड पॉलिसीज सच एज The Biological Diversity Act 2002, The Protection of Plant Varieties at Farmers' Rights Act 2001, The Traditional Knowledge Digital Library, और अभी 2020 में इसके regarding India ने अपने patent rules को भी update किया। So that's how India is protecting its traditional knowledge and biodiversity. Thank you for watching this video. For more such insights, follow Legal Bites.